इंदौर में पति द्वारा अपनी ही पत्नी को जलाकर हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर तिलक नगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल युवक ने एक साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ दिन तो दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद विवाद होने पर पत्नी अपने मायके संविदा नगर चली गई थी। पति उसे लेने गया, लेकिन पत्नी के उसके साथ न जाने से इसी दौरान उसकी पत्नी को बहाने से घर लाकर बुलाया गया और पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया, लेकिन ऐन वक्त पर मौके पर मौजूद लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तिलकनगर थाना क्षेत्र में एक वारदात सामने आई, जिसमें फरियादिया के द्वारा ये बताया गया कि जो एक इनकी लव मैरिज हुई थी लगभग एक साल पहले, शादी हुई थी, शादी होने के बाद लगभग छः महीने बाद ही झगड़ा होने लगा और झगड़ा होने की वजह से ये अपने मायके आकर रहने लगी थी। और फिर ये कल ये जो आरोपी है वो आया था उसको मनाने के लिए कि घर चल रहे साथ वापस से चेक करने लगा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया मैं घर नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। इस पर से आरोपी के द्वारा एक आ गया पति ने, अरुण पति के द्वारा एक आ गया ठीक है मुझे बाहर तक छोड़ दो, तो 20-25 मीटर दूर जब घर से बाहर वो छोड़ने के लिए गई वैसे उसको धक्का दे दिया, गड्ढे में गिरा दिया और जो पेट्रोल लेकर आया था उसने उसमें पेट्रोल भी डाल दिया था। और फिर जैसे उसने लाइटर जलाने की कोशिश की तब तक वो लड़की भागी और वहाँ पर जो पब्लिक थी उनके द्वारा उसको आरोपी को पकड़ लिया गया। फिलहाल थाना तिलक नगर में IPC सेक्शन 307 के तहत केस रजिस्टर किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।